मैं तो अपने गुरु का ध्यान करता हूँ, मैं अपने गुरु से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानता, क्योंकि वही मेरे को वहाँ तक ले करके गए, उस परम तत्व तक एकाकार उनके कारण ही हुआ। आज जो भी कुछ है, सब कुछ जो प्राप्त हुआ, जो मिला, सब उन्हीं की दया है, उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की कृपा दृष्टि है। क्योंकि वो हाथ ना पकड़ते, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, आत्म तत्व को जान ले, अनुभव कर ले, हमारी इतनी औकात नहीं थी, ना हमारे कुछ बस की बात थी, ना ये आसान कार्य था। लेकिन गुरु की कृपा से भाव सागर इतने छोटे हो जाते हैं, एक कदम भी बड़ा हो जाए, पता ही न चले कब निकल करके चले गए। इतना जो कृपा होती है ना, जब शब्द जगता है, जब शब्द की मार पड़ती है, जीव के हाथ शब्द आता है, जीव के हृदय के अंदर अगर गुरु का वास हो गया तो मैं बड़ी बात नहीं कहता। किसी देवी देव की, किसी यमराज तक की भी हिम्मत नहीं है आ करके आपको परेशान कर दें, हिम्मत नहीं, देख तक नहीं सकते, क्योंकि आप वही तत्व हो जो सबके अंदर विराजमान है। इसी कारण से बार बार मैं ये बोलता हूँ, ताकि कोई तो शब्द आपकी पकड़ में आए, कुछ चीजें तो समझ आए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसका ध्यान लगने लगा, मेरा नहीं लगता। आप ऐसे समझिए, कुछ लोगों ने अनंत अनंत जन्मों में साधनाएं की हैं, जैसे हमें 100 रुपये इकट्ठे करने हों, किसी के पास 1 भी रुपया ना हो, किसी के पास 99 रुपये हों, तो जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है, वो बेचारा पहले 1 रुपया इकट्ठा करेगा, उससे शुरू करेगा, बहुत समय लग जाएगा उसको इकट्ठा करने में। और किसी के पास 99.99 रुपये हैं, वो एक पल लगेगा सो हो गए, क्योंकि उन्हें तो 1 पैसे की ही आवश्यकता है और उन्हें 100 इकट्ठे करने हैं। उसी प्रकार से कुछ लोगों ने पिछले जन्मों में साधनाएं कर रखी हैं, पूर्ण गुरु से मिले, शब्द प्राप्त हुआ, गुरु की कृपा हुई, वो चीज़ें जागृत हुई, ध्यान लग गया, अनुभव हो गया, सार शब्द जब जागृत होगा, शिष्य गुरु और परमात्मा तीनों एक हो जाए। ये निशानियां हैं, बड़े गूढ़ रहस्य हैं, ऐसे ही कोई नहीं बोलता, सब बड़े बड़े महात्मा छुपा करके रखते हैं। लेकिन हम तो खोल करके आपके सामने रख देते हैं कि ये
परोस परोस करके कि ये तत्व है, बस जो मार्ग चल रहा है साधना से मत भागिए, साधना करिए। किसी भी समय गुरु परमात्मा और मृत्यु मत भूलिए। अगर इतना सा भी याद रहा तो कल्याण हो जाए। अगर हम केवल बातों तक सीमित रहे बहुत रुकावटें होंगी, बहुत परेशानियां होंगी। मैं तो यहां तक देखता हूं लोगों को कि माता पिता तक की इज्जत नहीं करते, भोजन तक नहीं देते। बहुत रोते हैं जीव मेरे पास आकर के, बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे जीवों का कैसे कल्याण हो सकता है? वो कैसे गुरु के हो सकते हैं जो माता पिता के नहीं हैं? जो माँ की सेवा नहीं कर सकता, जो पिता का साथी नहीं बन सकता, उनसे हमें यह शरीर मिलता है। अगर उनकी इच्छा ना हुई तो शरीर नहीं प्राप्त होगा, किसी को भी शरीर नहीं मिलेगा। ये मत समझो कि वो लोग आपके अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें पैदा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग संसार चलाने के लिए नियम में बंद करके आप लोगों को पैदा करते हैं, हम लोगों को पैदा करते हैं। अगर हम उन्हीं की सेवा ना कर सके, उन्हीं का सहारा ना बन सके, तो गुरु के कैसे हो सकते हैं, परमात्मा के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। अगर उन्हीं की इज्जत नहीं करेंगे, उन्हीं की सेवा नहीं करेंगे, तो आप कितने भी धर्म कर लो, कितने ही भंडारे लगा लो, कितने ही कुछ भी कर लीजिए, आप दान कर लो, पुण्य कर लो, गौ सेवा कर लो, जिस जीवों की सेवा कर लो, उस परमात्मा की शरण तक नहीं पहुंचोगे। क्योंकि मार्ग नहीं खुलेगा जो आपके सच्चे हितैषी हैं, सुख में, दुख में, परेशानी में, कष्ट में अपनी जान तक दे देते हैं। मेरे पास आती है एक महिला, इन्होंने अपना लीवर अपने बच्चे को दे दिया। मैं उनकी हालत देखता हूँ आज, वो बच्चा उन्हें आज भोजन तक नहीं दे रहा। उन्होंने अपना पैदा तो कर ही दिया, खुद के शरीर को काट करके भी अंग दे दिए, फिर भी कैसे कल्याण होगा ऐसे जीवों का? बड़ा मुश्किल है। ये नहीं कि कलयुग है ऐसा ही होता है, नहीं जी, ऐसा नहीं है। हर युग की यही हालत है। आप द्वापर में देख लीजिए, युद्ध के ऊपर युद्ध, आज उस राजा से लड़ाई, आज उस राजा से लड़ाई, अवतार तक तलवार लिए घूम रहे हैं लड़ने के लिए। आप त्रेता को देख लीजिए, सतयुग जिसमें सत्य को छोड़ करके कुछ नहीं होता, वहां जाकर के देख लीजिए।
कभी कहीं अपहरण हो रहे हैं, कभी कहीं युद्ध हो रहे हैं। तो ये हर समय के ऊपर, हर युग में, हर टाइम के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। और ये मत समझिए कि अगर हम द्वापर के समय होते, कान्हा जी मिलते और तैर जाते, मैं तो हमारे जो लेखक हैं जिन्होंने शास्त्र लिख रखे हैं, मैं तो उनकी बुद्धि को भी बड़ा अजीब सा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जगह लिखा कि पांडव स्वर्ग में चले गए, मुझे बड़ी हंसी आई कि अरे कौन सी दुनिया में जा कर के लिख दिए ये शास्त्र आपने, बड़े अजीब तरीके से। जिनके गुरु सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं, वहाँ स्वर्ग तक की बातें हो रही हैं। जिनके वो सारथी बनते हैं, स्वर्ग में कोई हाथ देने वाला नहीं होता उन जीवों को, वो उड़ा करके ले जाते हैं गोलोक में, वहाँ ले जाना तो निश्चित है। आगे की यात्रा अलग तरीके से तय होती है। तो जो जीव दया भाव में रहेगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा, वही जीव गुरु की तरफ आएगा, वही जीव कल्याण की तरफ आएगा। बहुत शास्त्र ऐसे हुए जिन्होंने लिखा सन्यास के लिए माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, पढ़े होंगे, सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे। तो उससे यही शिक्षा दी जाती थी कि आप उनकी कदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए, अंश हैं आप उनके, उनके रज वीर कारण आपका शरीर उत्पन्न हुआ, उनके कारण आपके सांस हैं। अगर आप उनकी कदर ना कर सकते दिखने वाले शरीर की, तो बिना दिखने वाले परमात्मा की क्या कदर करेंगे आप, गुरु की क्या कदर करेंगे आप, कैसे प्रेम को समझेंगे आप। लेकिन जब सही मार्ग पर चलेंगे, हर चीज का समाधान है, हर चीज का। लेकिन जीव सुधरने के लिए तैयार हो, बस सबसे आवश्यक यही है।